मामो किधर है? घर पे। आ जाओ गाड़ी लेके। क्यों? वो मथुर छोड़ने के लिए जाने गए। नहीं यार मामा, नहीं रखने का मेरे को। नहीं नहीं, मथुर नहीं जाएगा, मथुर नहीं जाएगा। मैं फोन पे करता हूँ। मथुर नहीं जाएगा, तू फोन पे कर। मामा तुम गाड़ी लेके मत आओ इधर। जाना जाना, मेरे को गुस्सा आ गया ना। तो अभी मथुर जो है इसको छोड़ देते हैं, तीनों बोले एक साथ भाई। हेलो दोस्तों, कैसे हो? हम सब कैसा है? आई होप आप सब मौज में हो। मैं एकदम मौज में हूँ। तो फाइनली जो है कि भाई अभी तक अपना ना तो गोटिया को छोड़ा है, ना तो मथुर को छोड़ा है, ना तो गड्ढा को छोड़ा है। चलो गड्ढा को तो छोड़ना ही नहीं है, गाय हीट पे है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सुरेश भाई अभी तक आया नहीं है। गाय तो ये वाली हीट पे है, अभी तक जो है कि उसकी ब्रीडिंग नहीं हुई है। सुरेश भाई गया था दूध लेके, तो अभी तक आया नहीं है। फिलहाल जो है कि मुझे जाना है यहाँ से 4 किलोमीटर आगे, सेविंग करवानी है और अपना जो वो साइड फिर से जो है कि अपना घर बनाना है। तो उसके लिए जो है कि इसे सीमेंट के पोल आते हैं जो कि खम्भे बोलते हैं, तो वो देखने के लिए मुझे यहाँ से लगभग 8-10-12 किलोमीटर आगे जाना है। पहले सेविंग करवाते हैं, फिर वहाँ से चलते हैं, पोल देख के आते हैं। तब तक सुरेश भाई आ जाएंगे, फिर जो है कि अपने ये वाली गाय जो है उसकी ब्रीडिंग करवाएंगे। फिर मथुर को भी छोड़ देंगे, गोटिया को भी छोड़ देंगे, दोनों छोड़ देते, होने दो लड़ाई होती है तो, क्योंकि परेशान करके छोड़ा है। और सुरेश भाई तो बोल रहा है कि भाई वो अपना जो मथुर है उसको आज छोड़ के आओ। तो देखते हैं मथुर जो है भाई, अगर मथुर ने ब्रीडिंग नहीं किया तो मथुर जाएगा आज। तो फिलहाल जो है कि सेविंग वगैरह करवा ली है, अभी चलते हैं सीधे जो है कि वो पोल देखने हैं, पोल देख लेते हैं, फिर चलते हैं घर पे। घर से 8-9 किलोमीटर आगे आ गया हूँ और अभी जो है कि आपा का कॉल आया था। आपा बोल रहे हैं कि सीमेंट के पोल जो है वो लाए हैं। उस भाई को पूछा तो बोले वो कुछ काम के नहीं, बोले यहाँ मैं लाने के बाद 15-20 दिन में जो है कि तुरंत ही बोले वो टूटने लग गए। तो बोले उससे अच्छा तो आप जो है कि अपने लोखंड के एंगल ही लगा दो। बोले तो आपा बोले एक काम कर पे अभी मत जा देखने के लिए, वापस आ जा। तो मैंने बोला ठीक है, अभी एंगल से काम चलाना है। सीमेंट का पुल देख के आया तो वो अपन ने मेरे को कॉल किया, बोले वो बाद में टूट रहा है, इसे बोलते हैं ये लोखंड के एंगल है, इसको कुछ नहीं होगा, अपन क्या करेंगे इसको 2 फुट अंदर गाड़ देंगे, यहाँ तक गाड़ देंगे, क्योंकि यहाँ तक गाड़ देंगे तो ये पूरा रहेगा ना तो आराम से होगा। गाय के लिए शेड बनाना है घर पे जो है कि पूरी, अभी जो लकड़ी की अपन यूज करते नहीं वाली, ये इस बार यूज नहीं करने, इस बार जो है कि पूरा लोखंड ही यूज करना है। बिल्डिंग हो गई? नहीं हुई। हाँ गोटे से की है, मैं को फोन करता और तुरंत इसको भरता हूँ। क्या है श्री? कॉल पोपट मामा। तेरा फोन बोलता है? कॉलिंग पोपट मामा। अरे सुरेश भाई तू सुनते जा यार। नहीं यार तुरंत फोन करता मैं, मामा को फोन करता। मामा किधर है? हेलो मामो बोल, किधर है? घर पे। आ जाओ गाड़ी लेके। क्यों? वो मथुर छोड़ने के लिए जाने गए। वो पेट्रोल पंप पे ले 2000 का डीजल डालो। 2000 का डीजल जब तक खत्म नहीं होता ना तब तक गाड़ी चलाओ। नहीं मामा, उसने ब्रीडिंग नहीं किया। मैंने इसको ये बोला कि तू सुन, अगली गाय जब हीट पे आएंगी तब देखेंगे, एक गाय ब्रीडिंग नहीं किया तो तुरंत छोड़ने के लिए जा रहा। तो क्या आप? अरे मामा तुम कुछ में मत सोचो, गाड़ी लेके आओ तुम। मामा तुम इसको समझाओ कि भाई एक 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 मौका दो। नहीं यार मामा, नहीं रखने का मेरे को। एक तो दिन भर परेशान करता है, ऊपर से बिल्डिंग भी नहीं करता। नहीं मथुर नहीं जाएगा, मथुर नहीं जाएगा। मैं फोन पे करता हूँ। मथुर नहीं जाएगा, तू फोन पे करने कर। मामा तुम गाड़ी लेके मत आओ इधर, गाड़ी नहीं लेके, नहीं लेके। अरे मथुर नहीं जाएगा, तो दिन भर में चला तो ये आता है। मथुर जाएंगे नहीं। मामा पूरे दिन मेरे को परेशान करता है। मथुर नहीं जाएगा, मथुर परेशान करता, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्डिंग नहीं करता है। मथुर नहीं जाएगा। मैं फोन पे करता, तुम तुरंत जाओ पेट्रोल पंप पे और डीजल डालो और तुरंत आ जाओ। अरे उसमें तो डीजल होगा, सीधी गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी। मथुर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मथुर नहीं जाएगा। बोल दे, मना कर दे मामा। मामा गाड़ी मत लेके आओ तुम। मामा लेके आएंगे, अभी मैं उसको छोड़ने नहीं जाऊंगा। मामा गाड़ी नहीं आएगी, मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा ना। मथुर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। मेरे को मथुर नहीं रखने का मामा, मेरी बात सुनो। नहीं नहीं मामा, मामा देखो मामा सुनो, मेरी बात सुनो। एक गाय अगले टाइम अगर गाय जब हीट पे आएंगी, उसने ब्रीडिंग नहीं किया तो अब जाके छोड़ के आएंगे, लेकिन अभी नहीं। इस बार एक 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 मौका मुझे देना है उसे। मामा गाड़ी चालू कर रहे।
हेलो हाँ मामा तो ये बोला मैंने मारा मामा हो कि ना मामा हो मारा मारा कुना मामा हो मामा कुना मामा हो हाँ बोलते पहले तुम दोनों झगड़े कर लो फिर मैं बोलता मैं किसका मामा हूँ ठीक है मामा तुम बोल रहे तो देखते हैं दूसरी का हिट पे आई तो जो बिल्डिंग की नई बिल्डिंग की तो आधी रात को आओ फिर आधी रात को भर के हाँ डन 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 ठीक है एक मौका मामा भी बोल रहे हैं कि भाई दो तो अगले टाइम अगर इसने बिल्डिंग नहीं किया तो मुझे पूछो मत सीधा जाके छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं भाई डायरेक्ट जाके छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलेंगे चलो मामा एक बार संभाल लिया मामा ने संभाल लिया मैं फाइनली फाइनली मान गए हैं अभी कुछ नहीं बोलता मेरा मामा का मैं मान रखता हूँ सुरेश भाई बोल रहा है कि इसकी बिल्डिंग जो है रात को अपने गोटिया से करवाई थी फिर भी अभी छोड़ेंगे आज दिन पर ऐसे ही तीनों बुल साथ में रहने वाले हैं गोटिया गड्ढा मथुर तीनों साथ में रहने वाले हैं मथुर लास्ट मौका है तेरे पास अगर तूने अगले टाइम ब्रीडिंग नहीं किया फिर जो है कि भाई तेरे को जाके हम छोड़ देंगे लास्ट मौका है तेरे पास दोस्तों हम इतने अच्छे अच्छे बुल लेके आते हैं जब यहाँ पे लाते हैं तब वो ब्रीडिंग ही नहीं करते हैं ध्यान मत दे कर देख ले फटाफट से चल और गोटिया को भी छोड़ दो आज जो है कि भाई तीन तीन बुल एक साथ क्या ये बताए दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं अभी ट्रैक्टर खाली करने के बाद एंगल लेके जाना है गांव में अभी गांव में जाऊंगा तो शाम को आऊंगा तो अभी वीडियो एडिट करना है बहुत सारा काम है तो उसकी वजह से मैं बोल रहा था भाई कि मैं थोड़े दिन के लिए जो है कि भाई ब्लॉग जो है उसको स्टॉप कर दूं क्योंकि काम में ये भी कुछ हेल्प नहीं करवाते हैं तो सब काम जो है कि दोस्तों मेरे से मैनेज नहीं होता है बहुत ज़्यादा काम हो जाता है सब मैनेज नहीं होता है तो मैं वो इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए ब्रेक देते रहे जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक जान है अपनी भाई ये फोन की वजह से आज भाई मैं यहाँ पे हूँ ऑटोमेटिक देखो दोस्तों अभी जो है कि फोन लॉक है आप देख सकते हो ये देखिए बोल दो हाँ हे श्री कॉल पोपट मामा कॉलिंग पोपट मामा ये देखो सीधा पोपट मामा को जो है कि कॉल लग गया है हे श्री कॉलिंग जगदीश भाई कॉलिंग जगदीश भाई गड्ढा वो क्या मथुर उधर है गड्ढा यहाँ पे है गोटिया वहाँ पे है क्या बढ़िया बढ़िया घास लेके आए यार तुम आज बच्चे जो है कि छोटे छोटे पूरा दिन खाएंगे भाई एक नंबर काम किया है ये देखो दोस्त नहीं चढ़ा दे उस पर चढ़ा दे फिर आप बोलते हो यार सुरेश भाई को तुम हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हो लेकिन अभी आपके सामने है परेशान वो करता है इसकी वजह से उसको बोलना पड़ता है ये दाल ये बड़ी वाली डाल दे इसको निशान के ले हमने करी देखो दोस्तों इसका काम चल मैं इसको पहले से बोल रहा था कि मेरी बात सुन तू लगा आप आपको चुग लिया तर है मगस पहला गजब बेइज्जती है एंगल जो है कि काम में वेल्डिंग की दुकान पर रख के आते हैं फिर यहाँ का दूसरा काम जो है निपटाएंगे एंगल यहाँ पे उतर दिया है उसको वेल्डिंग जो है कि वो कर देंगे फटाफट से जो है कि गाय छोड़ देते हैं फिर वापस मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा और जो है कि वेल्डिंग का उसका जो है कि कुछ जगह पर काट कुट करनी है क्या करें बात जोड़ तो रहेंगी अभी ये पहले चलो छोड़ो इनको अभी तक जो है कि भाई सबको बोलना पड़ता है ये करो वो करो तब जाके होता है कहाँ गए हरी भाई काम करते हैं अभी मथुर जो है इसको छोड़ देते हैं मथुर बहुत ठंडा बुल है यार तू ये देखो अभी छोड़ दिया फिर भी हिल नहीं रहा है चल हिल भाग गाय इधर हिट पे है वो किधर उधर किधर जा रहा गाय ये हिट पे है और वो देखो कहाँ जा रहा ये देखो तीनों बुल एक साथ एकदम छोड़ दे इसको छोड़ दे उसको छोड़ दे जान दे तीनों बुल एक साथ भाई गोटिया ही काम में आया लास्ट में तो और देंगे उसको हम अभी मेरे को ये बोल ये किस में जाएगा मथुर ये दोनों साथ में जाने वाले हैं देख फाइट ना करें ठीक है चल छोड़ दो
नहीं नहीं डरता है उससे। भगत को अभी तक टाइम है, पहले कौन सी देंगी? ये वाली, ये तो अभी ये भी बच्चा देने वाली है। हाँ बहुत जल्दी भाई, ये भी बच्चा देने वाली है, भगर भी देने वाली है और हमारी जर्सी भी देने वाली है, ये वाली। चलो अभी फटाफट से छोड़ दो, अगली गाय तक जो है कि भाई वेट करते हैं। गोटिया क्या करेंगे? तब तक गोटिया रखेंगे, गोटिया रहने देंगे, गोटिया मारा मार नहीं करता तो फिर गोटिया भी इधर रहेंगे। अगर झगड़े नहीं होंगे तो गोटिया को इधर रखेंगे और गड्ढा जो है उसको दूध वाली गाय में भेज देते हैं। गोटिया और मथुर, ये दोनों दूध वाली गाय में जाएंगे, अभी गोटिया रहने देते हैं। अगली गाय जब भी हिट पे आएंगी तो पहले ब्रीडिंग अपन मथुर से करवाएंगे, मथुर ने अगर ब्रीडिंग किया तो गोटिया जो है वापस जाके पोपट मामा के वहाँ पे छोड़ देंगे। अगर मथुर ने ब्रीडिंग नहीं किया तो फिर गोटिया रहने देंगे और मथुर छोड़ देंगे। ये जा रहा है अभी वहाँ पे जो है कि भाई गोटिया भी खुला है, गोटिया खुला है, फाइट तो नहीं होगी ना? हाँ लकड़ी लेके घूमना पड़ता है, ये देखो, ये देखो, ये वापिस आया, इसको ले, इसको भेज देना, ये इसको दूध वाली गाय में भेज। अरे भाई इसको दूध वाली गाय में लेके जा, चलो 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 इसको लेके जाओ। अभी मुझे डर यही है, ये देखो वो दोनों आमने सामने, गोटिया वो भाग रहा है, मथुर भाग रहा है, लेकिन गोटिया जो है कि उसको बोलता है तू मेरे साथ लड़ने के लिए आ जा। ये देखो वैसा अपना जो भाई मथुर एकदम शांत स्वभाव का है, इसकी वजह से लड़ाई नहीं होगी। बाकी ये जो है ना भाई, ये तो बहुत डेंजर है भाई, ये कभी कभी गड्ढा को छेड़ता रहता है। और ये देखो क्या खिला दिया पता नहीं उसको, तो पेट उसका पेट खराब हो गया यार, जब देखो तब टुरुरुरुरु करता रहता है, पता नहीं क्या खिला दिया भरत भाई ने। वो देखो एक गाय को मार रहे यार, चलो चलो जल्दी। और ये बाकी क्यों नहीं छोड़े हंटू बाहो? वो नहीं लेके जाता, वो बिना दूध की गाय में जाते। ओके उसमें जो है कि एक गाय हीट पे है, एक काम कर, अगर हीट पे है तो शाम को है ना उसकी अपने मथुर से ब्रीडिंग करवाएंगे और शाम को मथुर ब्रीडिंग करेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप कमेंट कर दो यार। बार बार जो है कि अभी बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है अपनी, क्योंकि मथुर ने ये तो भाई बहुत हंस रहा है, बोले इतना अच्छा बुल लेके आए और ब्रीडिंग नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है, अपना मथुर जो रखना चाहिए या फिर वापिस जाकर छोड़ देना चाहिए? कमेंट कर दो आप फटाफट से। मथुर वो देख पीछे मत जा, पीछे गड्ढा आ गया, गोटिया आ गया, गोटिया दोनों बाजू बाजू में ही है। मुझे नहीं लगता ये भी लड़ाई करेंगे, पर पता नहीं अभी। गोटिया का तो आपको पता ही है भाई, वो जानबूझ के जो है कि छेड़ता है गोटिया। छोड़ो छोड़ो फटाफट से, ये अपनी काबरी, ये काबरी बच्चा देगी ना भाई, बछड़ी दी ना भाई, तो बहुत मजा आएगा। अबे मथुर वो बच्चा देने वाली है, तेरा तेरा दिमाग तो नहीं घूम गया ना? अबे मथुर मथुर अभी नहीं सुनूंगा, बोला क्या अभी भरूंगा नहीं। नहीं नहीं इतना टाइम जाने दे, अगली टाइम अगली टाइम अगली गाय जब भी कोई हीट पे आए ब्रीडिंग ना करे छोड़ के आओ। वो ऐसा खड़ा है बेचारा, कुछ नहीं कर रहा, वो गाय थोड़ी हीट पे है, वो ऐसा खड़ा है। ओके ओके वो उधर घास सब खा जाएंगे। दोनों भाई साथ में है, लड़ाई ना करे तो अच्छा है। अगर उधर जाके उनकी लड़ाई हो गई भाई, सुरेश भाई को बोला है कि भाई ध्यान रखना उधर जाके लड़ाई ना हो। चलो अभी फटाफट से इनको छोड़ देते हैं, चलो संभाल के लेके जाए तो अच्छा है, नहीं तो भी फाइट हो सकती है इनकी। आजू बाजू ही खड़े हैं। हाँ अरे हाँ भाई चले, मैं इसमें छोटे रास्ते पे जितने भी है वो, अरे आए किधर लेके जाना है? इधर इधर गाँव 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 के साइड, दो चार दिन से तो मैं इधर ही जाते हुए देख रहा हूँ तुमको, आज इधर जाना है। चलो चलो आगे चलो। आए लिली सूरज भाई ध्यान फुल रखना है भाई, लड़ाई ना करे ठीक है, ध्यान फुल रखना है। वो देखो दोनों साथ में जा रहे, वो बकरी मामा की बकरी लेके जा, गाय में जा तू। हाँ। मैं इधर काम करता अभी, मैं वो एंगल बेंगल अच्छे करके लाता जा। तूने उस ट्रैक्टर में से कितना इतना भी काम नहीं किया यार। ओ जो भी होन दे, जा जा तू, जा जा जाना जा जा जाना जाना। मेरे को गुस्सा आ गया ना, तुम्हें लकड़ी डाल के घर पे चला जाऊंगा। देखो दोस्तों इसको बहुत भीम पड़ती है, जा जा
चलो अभी सब छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन सबको छोड़ देते हैं, अपने जो ब्लैक ब्यूटी है उसको भी छोड़ देते हैं, गुड्डी को नहीं छोड़ेंगे। अभी जो है कि छोटे छोटे बच्चे को जो है कि भाई वाड़ा के अंदर भी बहुत सारा चारा आज हरी भर के लाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, सब वाड़ा के अंदर चले जाएंगे, आज कुटी नहीं निकालेंगे। पापा का भी कॉल आया है कि भाई जल्दी इधर आ जाओ, वहाँ पे जो पाइप वगैरह जो है वो डाल के लाना है, वो एंगल की वेल्डिंग चालू है। तो अभी जो है कि भाई इसका जो काम है अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बस अभी कर ही रहे हैं। और ये हरी भाई जा रहा है, हरी आग ला ले। अभी जो है कि भाई इसका काम स्टार्ट करते हैं, रिपेयर करके फिर इसको लेके जाना है घर पे। दूध वाली गाय जो है कि फिलहाल आ गई है भाई, ये रही अपनी हिरार, ए हिरार, हिरार। और हरी भाई देखो, अभी घर पे ट्रैक्टर लेके आए, पूरा एंगल जो है वो कंप्लीट कर दिए है। तो दोस्तों फाइनली जो है कि अभी बज रहे हैं कंप्लीट, कितने बज रहे भाई, साढ़े आठ बज रहे हैं। सुबह से जो है कि वो एंगल के पीछे लगा था, सब कंप्लीट करके लाके ट्रैक्टर अभी खड़ा किया है। ये पूरा जो है कि वहाँ पे लेके जाएंगे, रेडी करेंगे तो पूरा एक महीना लगेगा भाई, एक महीना भाई, इतनी हालत होने वाली है कि भाई पूछो ही मत। तो इसकी वजह से बहुत बार बोल चुका हूँ मैं कि क्या अगर आप सबकी सहमति है तो भाई मैं ब्रेक लेना चाहता हूँ, मेरा जो काम है उतना फटाफट से मैं निपटा दूँ, तो कुछ दिनों के लिए जो है कि भाई व्लॉग को जो है ब्रेक दे देते सब मिल के आ जाओ, एक साथ में करेंगे सब, सब मिल के आ जाओ, एक दिन में कर लेंगे सब, आधा आधे उधर एक दिन में पूरा का पूरा।